Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics. In the previous video we have discussed about the Pauli neutrino hypothesis, and in this video we are going to discuss about the range of electron, absorption of beta particles by matter. तो ये जो वीडियो होगी इसमें हम जस्ट कुछ एक दो टॉपिक्स हैं आपके छोटे छोटे जो कभी कई बार जो है छोटे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका बीटा पार्टिकल जो बीटा डीके है वो कम्प्लीट हो जाएगा बीएससी का, ठीक है। एमएससी में एक दो टॉपिक्स और है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन बीएससी का आपका ये दो टॉपिक्स के बाद जो है बीटा डीके क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आज का है वो बिल्कुल ही ईजी है, हालांकि हम अल्फा डीके में भी पढ़ चुके तो उससे कुछ मिलता जुलता है। क्या है टॉपिक का जो आपका नाम है वो क्या है, रेंज ऑफ क्या बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है वो किसके नाम से दे रखा है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब रेंज की बात करनी है हमें। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, लाइट और चार्ज पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल क्या था, हैवी चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। मैंने एग्जांपल में बताए थे अल्फा पार्टिकल जो था, हमने अल्फा डीके पढ़ा था तो उसमें अल्फा पार्टिकल कैसे था आपका, हैवीली चार्ज्ड, ठीक है, हैवीली चार्ज्ड पार्टिकल था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, इसका मास कम होता है किसके कंपैरिजन में, अल्फा के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो कैसा है, एक लाइट चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होता है, लाइट चार्ज्ड पार्टिकल होता है, क्यों, क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक डिफरेंस मिलेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है जैसे पास करेगा मैटर से, या फिर कोई हैवी चार्ज पार्टिकल। भाई देखो, एक तो लाइट चार्ज पार्टिकल मैटर में से पास करे और एक हैवी चार्ज, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ऑब्वियस बात है मिलेगा, है ना, ठीक है। तो जो पास जो फॉलोड होता है किससे, जो हैवी चार्ज पार्टिकल में हम बात करते हैं, क्योंकि हमने वहां पे देखो जो अल्फा पार्टिकल का था वो रेंज ऐसे डिफाइन कर रहे थे कि यहां तक गया है ना, तो वहां पे मतलब कि क्या बात कर रहे थे कि जो पाथ फॉलोड था, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल से मैटर में वो कैसा था आपका, एक स्ट्रेट लाइन पाथ था। लेकिन कहता है इलेक्ट्रॉन के केस में वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता, ठीक है, कैसा होता है, इररेगुलर होता है, जिगजैग की फॉर्म में होता है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ क्या कहा हमने, यही रेंज को डिफाइन करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल है आपके, लाइट चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। इनका मास क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, जो अल्फा पार्टिकल जो कि क्या है, हैवीली चार्ज्ड पार्टिकल। तो इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस तो मिलेगा, कब, जब वो मैटर में से पास करेंगे। तो हमने अल्फा पार्टिकल का तो ऑलरेडी हम रेंज डिफाइन कर चुके, तो वहां पे जो अल्फा पार्टिकल जो था वो कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा था, एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है। लेकिन कहता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या नहीं करते, स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, क्वाइट डिफरेंस है। इसलिए इनकी जो रेंज होती है, यहां पे इनकी रेंज भी क्या नहीं होती, आपकी डेफिनेट रेंज नहीं होती, ठीक है। एक और बात, अब पार्टिकल कैसा है, अल्फा पार्टिकल हैवी चार्ज्ड पार्टिकल है ना, और जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, लाइट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो हैवी चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ज्यादा एनर्जी को लूज करता है, क्या करता है, क्योंकि इसका कोलिजन ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी को लूज करता है, तो इसलिए इसमें क्या आती है, स्ट्रगलिंग आती है इसकी रेंज में भी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो पहले कुछ थोड़ा सा इतना ही लिखेंगे क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स आर, उसके बाद रेंज को भी डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की रेंज क्या होती है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट चार्ज्ड पार्टिकल, क्या होते हैं आपके, लाइट चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। इस लाइट चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, दैट इट मीन्स दे हैव स्मॉल मास, स्मॉल दे हैव उनका क्या होता है, स्मॉल मास, ठीक है। सो देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस, क्या होता है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड हैवी चार्ज्ड पार्टिकल, एंड हैवी चार्ज्ड पार्टिकल, कब, व्हेन दे पासेस थ्रू मैटर, व्हेन दे पासेस थ्रू किससे, मैटर, कि जब भी, एक तो आपका हैवी चार्ज पार्टिकल है और एक लाइट चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी वो मैटर से पास करते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, डिफरेंस किसमें होगा, पाथ फॉलोअर में, ठीक है। तो पाथ फॉलोअर हैवी चार्ज पार्टिकल का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जबकि उनका इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता है, वो कैसा होता है, इररेगुलर होता है, ठीक है। तो वही लिखेंगे क्या, द पाथ फॉलोअर थ्योरी है इसमें आपके, ठीक है, द पाथ फॉलोअर किससे, बाय हैवी पार्टिकल इन मैटर, बाय heavy
पार्टिकल, यहाँ पे कंपैरिजन भी हो गया दोनों का, ठीक है, बाय हैवी पार्टिकल इन मैटर वो क्या होता है, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एंड पोजेस ए, और इनकी क्या होती है, डेफिनेट रेंज होती है, ठीक है, एंड पोजेस ए डेफिनेट रेंज, डेफिनेट रेंज किसकी, हैवी चार्ज्ड पार्टिकल की, ठीक है, वो जैसे डेफिनेट रेंज, इसके कंपैरिजन में एज कंपेयर्ड टू हैवी चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इरेगुलर है ना, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, इज क्वाइट इरेगुलर, ठीक है, इज क्वाइट इरेगुलर एंड दे डू नॉट पोजेस क्या पोजेस नहीं करेंगे, डेफिनेट रेंज, ठीक है, डेफिनेट रेंज, और साथ में ये एनर्जी भी क्या करते हैं, ज्यादा लूज करते हैं, ठीक है, एंड क्या लिख सकते हो, लाइट पार्टिकल जिस लाइक जैसे कि क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या करता है, लूज मच लार्जर एनर्जी, ठीक है, वो क्या करता है, ज्यादा एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, इन ईच कोलिजन, और इसकी वजह से क्या होता है, एंड गिव राइज टू स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी मैं, है ना, गिव राइज टू स्ट्रगलिंग इन दियर रेंज, उनकी रेंज में वो क्या आपको पैदा करता है, स्ट्रगलिंग पैदा करता है, देखो कुछ ऐसा होता है, ये मान लो मैटर है, ठीक है, ये इस मैटर की थिकनेस है, यहां से आपका इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ ये, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कहते हैं जब ये मैटर से पास करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करता, ये क्या होता है, ऐसे जिगजैग, तो इसको क्या करनी पड़ती है, एक्चुअल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, देखो जैसे मान लो ये यहां से क्या हुआ आपका, एंड हुआ पाथ का, एंड ऑफ पाथ, देखो एक्चुअल में मैटर की थिकनेस तो सिर्फ कितनी थी, इतनी, ये क्या है, होनी तो ये चाहिए थी, मेजर्ड रेंज क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि थिकनेस जितनी है इतनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए थी, लेकिन इसने एक्चुअल में तो डिस्टेंस क्या करी, ज्यादा ट्रेवल की, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये मैटर से पास करता है तो ये क्या नहीं करता, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करता, जिगजैग अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट होता है, तो इसकी वजह से रेंज क्या होती है, अलग अलग आती है, ठीक है, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है आपका आयोनाइजेशन की वजह से, इसके अंदर क्या होती है, स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है, तो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल होता है इलेक्ट्रॉन का मटेरियल में वो क्या होता है, ज्यादा होता है थिकनेस से, भाई थिकनेस तो इतनी है लेकिन पाथ तो उसने क्या किया, ज्यादा ट्रेवल किया, ठीक है, तो ये चीज और लिखेंगे क्या, कि आपका एट लो एनर्जी पे क्या होता है, वेयर द आयोनाइजेशन डोमिनेट्स, जहां पे क्या करता है, आयोनाइजेशन डोमिनेट्स, डोमिनेट करता है, तो क्या करते हैं, दे अंडरगो, दे का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंडरगो फ्रीक्वेंट लार्ज एंगल स्कैटरिंग, उनमें क्या होता है, लार्ज एंगल स्कैटरिंग होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो ज्यादा पार्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किसकी वजह से, बाय द इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इन मटेरियल वो क्या होते हैं, आर मच मोर, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं या लार्जर होते हैं किससे, देन द थिकनेस ऑफ मटेरियल, कि भाई मटेरियल की थिकनेस से क्या करते हैं, वो ज्यादा पाथ को ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है आपके, इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है, ठीक है, तो अगर हम रेंज को डिफाइन करें तो रेंज को एक्चुअल में डिफाइन कैसे करेंगे, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कहां तक, जीरो तक रिड्यूस कर दे, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, द रेंज कैन बी डिफाइंड कैसे डिफाइन करेंगे हम, रेंज कैन बी डिफाइंड एज द थिकनेस किसकी, ऑफ द मटेरियल That is required
required किसके लिए, किसके लिए रिक्वायर बात कर रहे हो, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द मटेरियल, ठीक है, पासिंग थ्रू द मटेरियल टू जीरो, यही तो है कि भाई क्योंकि यहां पे आके वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं मतलब वो इससे बाहर नहीं आएंगे, है ना, तो वही थिकनेस क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये थी आपकी रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हो गया, या रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अब छोटा सा एक टॉपिक और है इसी के साथ थ्योरेटिकल, वो लिख लेते हैं, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय मैटर की, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, क्या है साथ में आपका एब्जॉर्प्शन किसका ऑफ बीटा पार्टिकल्स किससे बाय मैटर, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स बाय मैटर। देखो इंटरेक्शन की बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन की किसके साथ, मैटर के साथ, वो तो वो कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी सेम होती है आपकी अल्फा पार्टिकल्स की तरह, ठीक है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, देखो अब ये प्रोसेस हो रही है तो किसके रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, एनर्जी लॉस के लिए, ठीक है, जब भी बीटा पार्टिकल मैटर से पास करता है तो वो क्या करता है आपकी एनर्जी जो है लूज करता है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि जब पास करता है तो इसकी एनर्जी में लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है, फर्दर जो वेलोसिटी है क्योंकि ये लाइट चार्ज पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल कंपैरिजन में आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या करता है ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, तो इस वजह से, और एक और अलग टाइप की एनर्जी लॉस भी होता है जिसको हम बोल देते हैं ब्रह्म स्ट्रगलिंग, ठीक है, या जिसको हम जो है ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोल देते हैं, इसी एक टाइप का क्या है एनर्जी लॉस ही होता है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय मैटर में जस्ट बस इतना ही है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो वो क्या करेगा, वही वहां पे क्या होंगे आपके एनर्जी लॉस होंगे, ठीक है, और जो एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि जो वेलोसिटी है बीटा पार्टिकल की किसी भी गिवन एनर्जी के लिए, बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या मिलेगी आपकी, ज्यादा मिलेगी, है ना, किसके कंपेरिजन में, अल्फा, क्यों, बीटा पार्टिकल क्या है कि वेलोसिटी क्या है ज्यादा है, मास क्या है कम है, ठीक है, भाई एक लाइट चार्ज पार्टिकल ज्यादा फास्ट चलेगा बजाय की हैवी के, है ना, तो इसीलिए बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, ठीक है, आगे बात समझ में, तो जो आप बोल सकते हो कि जो जब भी इंटरेक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है, वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, इसी की वजह से उसमें क्या आती है स्ट्रगलिंग भी आती है, तो बस यही चीज है, ये लाइन ही इसमें लिखनी है, आप कहते हो तो मैं लिखवा देती हूँ ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी चार नंबर में आ जाए आपके में, है ना, द इंटरेक्शन किसका ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ विद मैटर इज फंडामेंटली क्या है सिमिलर टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, द प्रोसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल, द प्रोसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल, विच आर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर एनर्जी लॉस कब, when बीटा पार्टिकल पास थ्रू मैटर, ठीक है, जो बीटा पार्टिकल क्या करेगा मैटर से पास करेगा, ठीक है, बट देयर इज सम डिफरेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, बिटवीन द टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन सी, कि अल्फा पार्टिकल की और आपकी जो है बीटा पार्टिकल, दोनों के इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, क्या, सबसे पहली बात करें फर्स्ट द वेलोसिटी, है ना, द वेलोसिटी किसकी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या ऑफ द बीटा माइनस पार्टिकल बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, है ना, पार्टिकल किसके लिए फॉर ए गिवन एनर्जी वो आपकी क्या होती है इज मच लार्जर किससे देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल,
अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या होती है, जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस, है ना। एक तो ये हो गया, तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, आपकी लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, ड्यू टू विच लार्ज एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। सेकेंडली दूसरा क्या है, सेकेंडली अगर हम बात करें मास, है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, है ना, सेकेंडली क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए जो न्यूक्लियाई जो इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देगा, तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दस न्यूक्लियाई ऑफ इंटरेक्टिंग मैटर को क्या कर देता है, कैन इजिली स्कैटर, क्या कर देगा, इजिली से स्कैटर कर देगा, किसको, द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट कैन बी इजिली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, है ना, इजिली रिफ्लेक्टेड या डेविएटेड बोल सकते हो, किससे, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इन दिस प्रोसेस लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो ये था आपका कि एब्जॉर्प्शन, बीटा पार्टिकल जो मैटर से पास करता है तो उसमें क्या क्या फिनोमेनास होते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।